गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में जिसका नाम है तक्ष एंड मामा व्लॉग्स। तो गाइस, आज है घुघुती का त्यौहार, यानी उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा फेमस त्यौहार। इसको कैसे मनाया जाता है वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप सभी को हमारे घुघुती त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल फैमिली। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी ही देर में क्योंकि काम बचे हैं बहुत सारे। तो ये रहा हमारा तक्ष, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी ही देर में। नहा धो के हूँ, वही हूँ मैं तैयार। और आप देख सकते हैं मैंने साड़ी वेयर करी है टेम्परेरी सूट के बाहर से, क्योंकि साड़ी पहन की ही पूजा होती है असल में। तो आज है हमारा घुघुती का त्यौहार जैसे कि आपको पता है, और मैंने पूजा की थाली तैयार कर दी है। तो चलते हैं फटाफट से पूजा की ओर और तक्ष को मैं बुला लेती हूँ। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कोहरा यहाँ पे लगा हुआ है और आज की धूप बिल्कुल निकलने वाली नहीं, और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मैं तक्ष का वेट करी, फटाफट से तक्ष आएगा तो फटाफट से पूजा करते हैं। हाँ, अब क्या करेगा तक्षु? पूजा। पूजा करेगा? हाँ। अभी कहाँ गया था? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो हम पूजा करते हैं, चले। जोर से बोलो, काका हुआ काका, बोलो काका हुआ, बोलो। हाँ, वो आ गया। तो गाइस, ये हमारी जो है दिली है दरवाज़ा, जहाँ पे फूल रखे जाते हैं हर दरवाजे के पास में, और चावल से पूजा जाता है। सारा काम कंप्लीट करने के बाद जो मैंने आज पकवान कंप्लीट करे हैं वो है आलू की सब्ज़ी है और पूरी है और खीर है। वैसे तो हमारे वहाँ सेल और क्या कहते हैं उसे, माड़े बनते हैं, बट अभी मम्मी ठीक नहीं थी तब, तो मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी बना दी हैं आज, जैसे त्यौहार है तो इस वजह से। वरना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मम्मी ठीक हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सेल और माड़े कैसे बनते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं एक टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है, क्योंकि मैंने ही बनाया है, आई होप अच्छा ही बना होगा। लाजवाब। तो गाइस, फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तक्ष और तक्ष की दोस्ती मस्ती जो है ऐसी चल रही है, तो फटाफट से खाते मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, अभी जो हमारा ये घुघुते का तो जो त्यौहार है हो गया है पूरा, और हम लोगों ने सब पकवान बना के भी खा लिया, मम्मी लोग को भी खिला दिया। मम्मी लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि वाकई में टेस्टी भी बहुत हो रहा था। और कौवे को भी रोटी दे दी थी और कौवा रोटी खा के चला गया है। फेस्टिवल में होता क्या है ना गाइस, कि जैसे हम एक दिन पहले जो त्यौहार होता है, जैसे आज त्यौहार है, तो एक दिन पहले हम लोग क्या करते हैं रात के समय में, कौवे के लिए शुद्ध तरीके से उस, मतलब उस रोटी, उस आटे का कोई भी कुछ नहीं खाएगा, पहले जो है कौवे के लिए बनेगा। उसमें कौवे के लिए जैसे चार पूड़ी, चार बटकू, खीर वगैरह जो भी आप लोग उसमें ऐड करना चाहते हो, तो वो मतलब एक प्लेट उनके लिए सजाते हैं, तैयार करते हैं केले के पत्ते वाली। फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं कि उसको रख देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी कोई छू ना सके, और जो बनाएगा वो शुद्ध होना चाहिए, मतलब नहा धो के बनाएगा वो। और उसके बाद अगले दिन क्या करते हैं, जैसे सुबह होती है नहा धो के अंदर साफ सफाई करके अच्छे से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे, बच्चा है घर में तो बच्चे के हाथ में, वरना खुद भी कोई भी दे सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौवे को बुला के हम लोग उसे जो है पकवान खिलाते हैं, बोलते हैं का कौवा काका पूस की रोटी मांगे खा, क्योंकि अब जो होता है स्टार्ट हो जाता है माघ का महीना, और हिंदी में जिसे हम कहते हैं अभी ये फरवरी स्टार्ट हो, तो
आज फाइनली कम्प्लीटली हो गया और हस्बैंड को बहुत मिस किया। अगर हस्बैंड होते तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि वो तक्ष को ऐसे देख के बहुत खुश होते हैं। बाकी आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, तो देखिए आगे क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तक्ष खेल रहा था और खेलने के बाद आप तक्ष की हालत देख सकते हैं। अभी हाथ में धुला के लाई हूँ, देखने लायक नहीं हो रखा था बिल्कुल ही। कपड़े आप देख सकते हैं कितने मिट्टी वाले, गंदे वाले, पूरा बिस्तर गंदा कर रहा है। तो फटाफट से इसके कपड़े चेंज करती हूँ, हाथ में धुला दिया, नहलाने गई क्योंकि अब बात बहुत ठंडा हो रहा है, उसको कोल्ड भी हो गया है आज। तो फटाफट से इसको कपड़े चेंज करती हूँ, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये है हमारा जेंटलमैन जो कि तैयार होने के बाद हो गया है बहुत ही ज्यादा हैंडसम तक्ष, है ना। अब तक्ष क्या करने वाला है बेटा, अब क्या करेगा तक्ष? छुएगा। अब तक्ष को नींद आ रही है, सबको गुड नाइट कह दो। अब मेरे बेटे को आ रही है निन्नो, अब थोड़ी देर तक्ष सोएगा, उसके बाद जाके फिर से मस्ती करेगा, फिर से खेलेगा। तो मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तक्ष के साथ सो गई ना, तो क्या करता है कि 5 मिनट के अंदर उठ जाएगा और बहुत रोने लगता है। तो अभी मैं 1 घंटा सोई थी, तो अब इसकी नींद पक्की हो गई है, तो अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। इसके साथ यही प्रॉब्लम, मेरा 1 घंटे का टाइम वेस्ट कर देता है। तो प्राणनाथ ये हैं, तो ये हैं हमारे प्राणनाथ जो कि अभी अभी ड्यूटी से पहुँचे हुए हैं। तो अब इनके लिए फटाफट से खाना मैं लगाती हूँ, उनको भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। अब बैठ जाओ वहाँ पे, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर। अरे मोमोज खा रहे हैं। तो गाइज अभी जस्ट मिला है मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज, मेरे पास आई है मेरी ननद आरती और हम खा रहे हैं अभी मोमोज। अभी शाम के बज रहे हैं 4, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तक्षु तो बहुत ज्यादा खुश है, तक्ष ने नाम रखा है लीची खिलाने वाली बुआ, लीची खिलाने वाली बुआ। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारे जो याला फेस्टिवल होता है जिसको हम भुगते त्यार कहते हैं, तो अभी उसमें जो गोते होते हैं वो कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। कैसे माला होती है, सेल के बारे में बात करी थी मैंने आपसे, गोते के बारे में बात करी थी, खजूर के बारे में बात करी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से दिखते हैं। ये है सेल गाइस, ये चावल के आटे के बनते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसमें गुड़ का पानी और चीनी डाल के भी अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं इसको, और खाने में बहुत ही यम्मी होते हैं। ये इस तरह से होता है अंदर, इसके अंदर केले भर के भी बनाते हैं। इसमें केला ही भर रखा है, इसमें शायद दिख पा रहा नहीं दिख पा रहा, पर केला भर रखा है। और ये तक्षु के लिए है घुघुते की माला छोटी सी, आप देख पा रहे होंगे ये घुघुते की माला है। और ये जो होते हैं गाइस ये वाले, ये होते हैं खजूरे, इसको खजूरे कहते हैं, और ये इसको घुघुते कहते हैं। इसकी माला भी बनती है, इसको अलग अलग डिज़ाइन में बनाए जाते हैं। ये भेजे हैं मेरी प्यारी सी मौसी सांस ने, ये लेके आई थी आरती जो कि भेजे है हमारी प्यारी सी मौसी सांस ने, क्योंकि उनको पता है कि हमें ये सब चीज़ें बहुत पसंद है और घर में अभी आज बार नहीं बन पा रही मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से, तो मौसी ने वहीं से भेजे और पिछले साल भी भेजे थे, वो भेजते रहते हैं, अगर कोई वहाँ से आता है तो भेजते रहते हैं। तक्षु के लिए कितनी क्यूट माला है आप देख सकते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है गाइस तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।